नमस्कार दोस्तों, महर्षि दुर्वासा जो कि भगवान शिव के रुद्र अवतार के अंश थे, इसलिए उनका क्रोधी स्वभाव का होना स्वाभाविक था। देव हो या दानव, कोई भी उनके श्राप से अछूता नहीं था। और एक समय ऐसा भी आया जब महर्षि दुर्वासा ने स्वयं कृष्ण को भी श्राप दे डाला। अब कृष्ण तो कृष्ण ठहरे, मुस्कुराते हुए उन्होंने श्राप स्वीकार भी कर लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके उनसे विवाह कर लिया, तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने कुलगुरु महर्षि दुर्वासा का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए। इसी उद्देश्य से भगवान कृष्ण रुक्मणी को साथ लेकर महर्षि दुर्वासा के आश्रम गए और महर्षि को महल में आकर भोजन ग्रहण करके आशीर्वाद देने का निवेदन किया। तो दुर्वासा मुनि ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ में शर्त भी रख ली कि मैं जिस रथ से चलूँगा उस रथ को आप दोनों ही खींचोगे, घोड़े नहीं। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनकी यह शर्त भी मान ली और दोनों घोड़ों को रथ से निकाल कर स्वयं और रुक्मणी देवी रथ से जुट गए। वह रथ जिस भी गांव नगर से गुजरता, लोग देखकर हैरान रह जाते और कहते कि देखो प्रभु की लीला, जो स्वयं तीनों लोगों के पालन करता है, आज कैसे घोड़े की तरह रथ में जुटे हुए हैं। काफ़ी दूर आने के बाद देवी रुक्मणी को प्यास लगी। तब देवी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे वहाँ गंगा जल की धार उत्पन्न हो गई। तब देवी रुक्मणी और भगवान कृष्ण ने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन जैसे ही रथ आगे ले जाने लगे तो क्रोधित दुर्वासा मुनि ने रथ को रोकने का आदेश दिया और बोले कि तुम दोनों ने अपनी प्यास तो बुझा ली, लेकिन मुझसे जल के लिए पूछना भी उचित नहीं समझा। तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों को 12 वर्ष का वियोग सहन करना पड़ेगा और जिस जगह गंगा उत्पन्न हुई है वह स्थान बंजर हो जाएगा। तब 12 वर्ष तक रुक्मणी देवी ने विष्णु की तपस्या में बिताए थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप से मुक्त किया। इसी श्राप के कारण यहाँ का पानी आज तक खा रहा है और यही वजह है कि माता रुक्मणी को द्वारकाधीश मंदिर में भी जगह नहीं मिली और आज भी द्वारकाधीश मंदिर के 2 किलोमीटर दूर रुक्मणी जी का मंदिर साक्षात प्रमाण है इस घटना का, जो कि 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। इस मंदिर में आज भी जलदान की रस्म निभाई जाती है ताकि पितरों को जल की प्राप्ति हो और उन्हें मुक्ति मिल सके। और आज भी रुक्मणी देवी के इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को यह कथा सुनाई जाती है मंदिर के पुजारियों के द्वारा। दोस्तों, वह ऐसा समय था कि उस समय सिद्ध ऋषि मुनियों का आदर स्वयं भगवान भी किया करते थे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसी कथाएं आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ मैं राहुल।